वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आरएस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 22। प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, नहीं किए तो उस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 6x2 प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यार, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने 2A 2B कोई सी भी एक्सरसाइज में सॉल्व ही नहीं किया। सो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? थोड़ा सा टिपिकल है गाइस आपके लिए, लेकिन एक बार कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? सो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। fx किसके इक्वल दिया है आपको? 6x2 प्लस x माइनस 2, राइट? गिवन दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा और बीटा। इक्वेशन दी है, डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की जो आपको पॉलिनोमियल दिया है? 2 डिग्री है। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने होंगे? 2 होंगे। वो भी आपको 2 ही दिए हैं कि अल्फा बीटा दिया है, राइट? सो अब आपको मालूम है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 दिए हैं, तो इन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर हम सम की बात करें तो किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 6 है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया आपके? -1/6 के। अगर हम अल्फा बीटा की बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के, तो किसके इक्वल होता है? कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है भाई आपका? -2 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 6 है। तो 2 1 2, 2 3 6, दैट मीन्स -1/3। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल है? अल्फा बीटा 1/3 एंड -1/3। एंड सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल है? -1/3। सो दिस इज इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बट हमें तो ये सॉल्व ही नहीं करना, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट क्यों की है गाइज? इसका भी अभी आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम देख रहे हैं 2 रेशनल नंबर हैं जिनका सम किया गया है। सो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा। सो जब बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा रह जाएगा, तो अल्फा में अल्फा की मल्टीप्लाई होगी तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा की से मल्टीप्लाई होगी तो बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो गई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। बट हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं। अल्फा बीटा की तो मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अब ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं गाइज। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? सो हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं ना गाइज हम लोग। हमने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आया था आपका? -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है? -1/3 एंड अपॉन में -1/3, राइट? क्लियर है ये आपको? नाउ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/36 माइनस प्लस 2/3 एंड अपॉन में -1/3। सो हम यहाँ से क्या एलसीएम ले लेंगे? 36 एलसीएम ले लेंगे, राइट? ऊपर 36 एलसीएम आ जाएगा 1/3 एज इट इज़ रखते हैं अभी। सो 36 यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 है। तो गाइज जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 रहेगा एंड 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 दैट मीन्स 2 × 12 हो जाएगा। सो 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25 अपॉन 36 अपॉन 1 अपॉन 3 राइट। सॉल्व करके हमारा ये आ गया। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्विंग के लिए। तो 25 × 3 अपॉन 36 × 1 ठीक है। नाउ 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 दैट मीन्स आंसर क्या आ गया 25 अपॉन 12 आ गया। सो हम गाइज यहाँ पे माइनस एज इट इज़ रहेगा, ध्यान रखना -1/3 है। अरे ये तो हम भूल ही गए थे। सो यहाँ पे माइनस तो वैल्यू आ गई -25 अपॉन 12। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है, क्या आ गई अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया -25 अपॉन 12 के। राइट, क्लियर है ना आपको। सो साइन फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। -- प्लस फिर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस अपॉन -1/3। तो ये साइन आपका एज इट इज़ यहाँ पे मूव करता रहा साथ में, इक्वल यहाँ से ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज़ रहा। तो आपकी वैल्यू आ गई -25 अपॉन 12 राइट है ना। क्लियर, समझ आ रहा है ना गाइज आपको। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्लियर हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या इसमें मुझे समझ आ गया। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा। एंड गाइज अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, सो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट आपको मिल रही है, एक्सरसाइज सभी चैप्टर के सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। सो उसके लिए सभी चैप्टर के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए अवेलेबल किए जाएंगे जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी करेंगे गाइज हम लोग आगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे सॉल्यूशंस की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।